हाइब्रिड आ गए हैं ना, तो इसमें जो है कि इसमें गर्भाशय निकालने की जरूरत नहीं है और ना ही लेप्रोस्कोपी वगैरह कुछ और सर्जिकल ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है इसमें। तो क्या ये सिर्फ ट्रीटमेंट देते हैं, ओरल मेडिसिन देते हैं। देखो एक चम्मच जितनी दवाई है, हनी के साथ पानी में, दूध में, छाछ में, चाय कॉफी में, जैसे तुम्हें लेना हो और ले लो डेली। ये एक चम्मच सवेरे उठ के भूखे पेट ले लो या फिर चाय नाश्ता करने के बाद ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और सिर्फ पंचकर्म करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये फाइब्रॉइड से ज़्यादा विश्वास नहीं रख सकते। आजकल क्या है, कैंसर से जल्दी पॉजिटिव हो जाता है। कोरोना के बाद तो बहुत हमारे यहाँ कैंसर के पेशेंट पड़ गए हैं, थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। और ये फाइब्रॉइड्स की वजह से ही तुम्हें छाती में भी गठाने आ गई है, इसको लंप इन ब्रेस्ट बोलते हैं। लेकिन ये क्या है, धीरे धीरे बढ़ती रहती है, तो इसको पहले तो फाइब्रॉइड्स को स्टॉप करते हैं ग्रोथ होने में। हाँ, इसको ग्रोथ ही नहीं होने देते, आजू बाजू में बढ़ने नहीं देते हैं, सर्कुलेट नहीं होने देते हैं। और पंचकर्मा करके अंदर ही दवाई डाल देते हैं, उसमें मसाज वगैरह करते हैं, ऑयल से स्टीम करवा के फिर नेजल रूट से दवाई देते हैं, तो वो ब्रेन में उतारते हैं डायरेक्ट, अंडाशय और तुम्हारे गर्भाशय में पहुंचाया जाएगा, जिससे क्या होता है उसकी मूली जलाई जाती है। रूट ट्रीटमेंट बोलते हैं उसको। एक बार डेली वो दवाइयाँ अंदर डाली जाती है, फिर एनालिटिकल रीजन से जैसे एनिमा करते हैं ना, वैसे वो दवाई रहती है, वो गाढ़े की ऑयल्स घी की रहती है और गाय के दूध की मिला दवाई मिला के अंदर ही डाल देते हैं। उससे क्या होता है, फाइब्रॉइड्स ग्रोथ होना भी बंद हो जाता है। और रोज़ रोज़ दवाई 10-20-30 दिन की वो ट्रीटमेंट रहती है रोज़ करते हैं, तो फाइब्रॉइड्स वहीं पर सूख जाते हैं और थोड़े दिनों में थायराइड लेवल भी उससे में नॉर्मल हो जाएगा। ओके,